हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम फिफ्थ स्टैंडर्ड का इंग्लिश चैप्टर नंबर 5 द 12 मंथ्स स्टडी करेंगे। द 12 मंथ्स। वंस अपॉन अ टाइम इन अ फार अवे कंट्री देयर लिव्ड अ मदर हु हैड टू डॉटर्स। वन वाज हर ओन चाइल्ड, द अदर वाज हर स्टेप डॉटर। शी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हर ओन डॉटर। एक टाइम था एक कंट्री में, जो मदर होती थी उसके दो बेटी होती थी, यानी टू डॉटर्स, यानी कि दो लड़की। वन वॉज अ ओन चाइल्ड, एक उसकी खुद की बेटी थी और एक दूसरी स्टेप डॉटर थी, यानी कि सौतेली बेटी। शी वॉज वेरी फॉन्ड, फॉन्ड यानी लव, ऑफ अ ओन डॉटर, यानी वो अपनी खुद की बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। बट शी हेटेड हर स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर यानी सौतेली बेटी, तो वो उसकी सौतेली बेटी से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। द ओनली रीजन वॉज दैट मोरक्कला द स्टेप डॉटर वॉज प्रीटियर देन हर ओन डॉटर हेलेना। सो रीज़न क्या था उसको नफरत करने का मोरक्कला को? मोरक्कला कौन है? लड़की है जो स्टेप डॉटर है। स्टेप डॉटर का नाम है मोरक्कला और उसकी ओन डॉटर का नाम है हेलेना। सो मोरक्कला बहुत प्रिटी होती है, खूबसूरत होती है, और हेलेना उतनी ज़्यादा प्रिटी नहीं होती है। सो उसका मेन रीज़न होता है उससे हेट, नफरत करने का, क्योंकि मोरक्कला बहुत ज़्यादा बस प्रिटी होती है। The gentle-hearted Morakkala did not know how beautiful she was, and so she could never make out why her mother was always so cross with her. Gentle-hearted, yani kind. ये बहुत kind होती है Morakkala. उसे पता नहीं कि वो इतनी खूबसूरत है, इसके खूबसूरती के वजह से उसकी जो मदर है वो उससे इतना हमेशा गुस्सा होती है, उससे इतनी नफरत करती। क्रॉस यानी कि angry. Morakkala had to do all the housework, tidying up the cottage, cooking, washing, spinning, weaving and sewing. So Morakkala को पूरा घर का काम करना रहता था, housework यानी पूरा घर का काम, tidying up the cottage यानी cottage को पूरे घर को साफ करना, साथ में खाना बनाना और जो भी काम होता है घर का, washing, spinning, weaving, ये सब उसे काम करना रहता था। ये पूरा घर का cottage का काम कौन करता था? Morakkala. She liked work and she did it all without a word of complaint, while Helena spent the time adoring herself and lazing about. वो बिना किसी कंप्लेन के Morakkala पूरा घर का काम करती और Helena सिर्फ दिन भर अपने आप को संवारती, यानी कि adoring herself, यानी अपने आप को वो और ही ज़्यादा फॉर एन एग्जाम्पल, और अपने आप को प्रिटी करने के लिए, ब्यूटीफुल करने के लिए वो मेकअप करती है, कुछ भी अलग अलग, एंड लेजिंग अबाउट। लेजिंग अबाउट यानी वो बहुत लेजी होती है। इवन देन हेलेना एंड हर मदर स्कोल्डेड एंड रेटेड एंड अब्यूज्ड Morakkala एवरी डे। हेलेना और उसकी मदर स्कोल्डेड टू शाउट यानी चिल्लाते रहते, रेटेड टेकिंग टॉकिंग लाउडली एंड एंग्रीली। रेटेड का मतलब है टॉकिंग लाउडली एंड एंग्रीली। अब्यूज्ड यानी कि ट्रीटेड क्वेरली, यानी कि Morakkala के साथ में वो लोग चिल्लाते थे, सही बर्ताव नहीं करते थे, यानी अच्छे से बात नहीं करते, चिल्ला चिल्ला कर उस पर गुस्सा करते, उस पर चिल्ला कर बात करते, उससे अच्छे से ट्रीट नहीं करते, उसे मारते एवरी डे। Morakkala एवरी डे, ये सब चीज़ Morakkala के साथ रोज़ होता था। दे एनवीव्ड हर सो मच दैट वन डे दे डिसाइडेड टू थ्रो हर आउट इन द फ्रीजिंग कोल्ड टू गेट रिड ऑफ। एनवीव्ड, एनवीव्ड का मतलब है जेलस, यानी वो उससे बहुत जलते थे। किससे? Morakkala से, Helena और उसकी स्टेप मदर। एनवीफ का मतलब है जेलसी, यानी जलते हैं ऑन Morakkala। दे डिसाइडेड टू थ्रो हर आउट इन द फ्रीजिंग कोल्ड टू गेट रिड ऑफ। सो एक दिन उन्होंने क्या सोचा कि ऐसी इतनी ठंडी, फ्रीजिंग कोल्ड यानी बहुत ज़्यादा ठंड है, तो हम क्या करते हैं, इस Morakkala को बाहर फेंक देते, यानी इससे हमें छुटकारा पाना है। रीड यानी कि हमें उससे छुटकारा पाना है हमेशा के लिए। तो वो लोग एक प्लान करते, डिसाइड करते, अब हम आगे देखेंगे उनका प्लान क्या है। गो Morakkala एंड गेट मी सम वायलेट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। वायलेट्स क्या है? अ फ्लावर, ए पर्पल कलर का फ्लावर है जो वायलेट्स कहते हैं। आई वॉन्ट टू वेयर देम एंड टू स्मेल देम, सेड Helena। ये कौन बोला? Helena ने बोली Morakkala को कि जाकर वायलेट्स लेके आने उसके लिए। वायलेट्स फ्लावर्स है जो फॉरेस्ट में है और वो पर्पल कलर के, और उसे क्या करना है, उसे पहनना है और उसे स्मेल करना है फ्लावर्स को, Helena सेड। But my dear sister, it is impossible to find violets in the snow, said poor Morakkala. So Morakkala क्या बोलती है कि मेरी dear sister, ये बहुत मुश्किल है violets को इतनी snow में, इतनी बर्फ में उसे ढूंढना। How dare you argue when I tell you to do something? Argue, to say again and again, यानी उस बात पर बहस करना। तो वो बोलती कि मेरे साथ में बहस
तुम क्यों कर रही हो? हाउ ऑफ यू गो एट वंस एंड इफ यू डोंट ब्रिंग मी वायलेट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट आई विल किल यू, सेड हेलेना थ्रेटनली. यानी उसे चिल्लाकर हेलेना क्या बोलती है, यानी अगर तुमने मेरे लिए वायलेट्स नहीं लाई तो हम तुम्हें मार डालेंगे. द स्टेप मदर कॉट होल्ड ऑफ मरकुला टर्न हर आउट ऑफ द डोर एंड स्लैम्ड इट टू आफ्टर हर. स्टेप मदर यानी सौतेली माँ स्लैम्ड टू क्लोज इन अ फोर्स, यानी उसने जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया और मरकुला को बाहर फेंक दिया. मरकुला वेंट इन टू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी जंगल. वीपिंग बिटरली यानी वो बहुत रो रही थी, अंदर अंदर वीप कर रही थी यानी टू क्राई. वी कैन से क्राइंग. द स्नो ले डीप एंड देयर वॉजंट अ ह्यूमन फुटप्रिंट टू बी सीन. और इतना स्नो था, इतनी ज़्यादा स्नो थी कि हम किसी की फुटप्रिंट यानी ह्यूमन के फुटप्रिंट को भी नहीं देख सकते. मरकुला वॉन्डर्ड, वॉन्डर्ड यानी थिंकिंग. वो मरकुला वॉन्डर्ड अबाउट फॉर अ लॉन्ग टाइम टॉर्चर्ड बाय हंगर एंड ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड. सो वह ऐसे ही ठंड में ढूंढती रहती है कई जगह पर, वो कई वक्त तक ढूंढती है. वॉन्डर्ड यानी थिंकिंग, वो सोच रही थी कि उसने कई टाइम से वो भूख से मर रही यानी उसने कुछ खाना नहीं खाया. और ट्रेम्बलिंग यानी शिवरिंग, वो इस ठंडी से कपकपा रही है. एट लास्ट शी सॉ अ लाइट इन द डिस्टेंस. सो अचानक से उसने क्या देखा, एक लाइट देखा बहुत दूरी पर. शी वेंट टूवर्ड्स द ग्लो विच केम फ्रॉम द टॉप ऑफ अ माउंटेन. तो वो उस ग्लो के तरफ गई यानी उस शाइन के तरफ. ग्लो का मतलब यहाँ पर रहेगा शाइन. विच कैच फ्रॉम द टॉप ऑफ अ माउंटेन, जो टॉप ऑफ अ माउंटेन से आ रही थी. अ बिग फायर वॉज बर्निंग देयर एंड राउंड द फायर वर 12 स्टोन्स इन विद 12 मैन सिटिंग ऑन देम. सो वहाँ पर क्या था, एक फायर हो रहा था, एक बड़ा सा फायर लगा था जो जल रहा था वहाँ पर. और 12 स्टोन यानी 12 स्टोन थे जिस पर 12 आदमी लोग बैठे थे. थ्री ऑफ देम हैड स्नो वाइट बियर्ड्स, थ्री वर नॉट सो ओल्ड एंड थ्री वर स्टिल यंग. तीन बहुत बूढ़े थे यानी वाइट स्नो कंपेयर किया है, उनकी जो बियर्ड थी, जो दाढ़ी थी लंबी लंबी, उसे कंपेयर किया है स्नो के साथ में. यानी स्नो जैसी बिल्कुल सफ़ेद होती है वैसे ही उनकी सफ़ेद बियर्ड्स थी. तो सफ़ेद बियर्ड्स यानी वाइट बियर्ड्स यानी कि वो बहुत ओल्ड थे. थ्री वर नॉट सो ओल्ड, और तीन जो थे वो बहुत ज़्यादा ओल्ड नहीं थे. एंड थ्री वर स्टिल यंग, और जो कुछ तीन थे वो बहुत यंग यानी स्मॉल थे. The three youngest were the handsomest of them all. और जो लास्ट के तीन थे वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट थे, हैंडसम थे, गुड लुकिंग. They were not speaking but all sitting silent. वो सब बात नहीं कर रहे थे बट चुपचाप सब बैठे थे एक साथ. This 12 men were the 12 months. ये 12 men कौन थे, 12 months थे. Great January sat highest of all. His hair and beard were as white as snow and in his hand he had a held a club. सो ग्रेट जनवरी जो सबसे बड़ा था वो कहाँ पर बैठा था, हाईएस्ट ऑफ ऑल यानी सबसे बड़ी चेयर पर बैठा था. उसके हेयर और बियर्ड कैसे थे यानी उसके बाल और उसकी दाढ़ी बिल्कुल स्नो की तरह वाइट थी. और उसके हाथ में हेल्ड अ क्लब यानी उसने क्या पकड़ा था, क्लब. क्लब यानी कि हैवी स्टिक. मरकुला वॉज फ्राइटेंड, फ्राइटेंड यानी अफ्रेड, डरी हुई थी. शी स्टूड स्टिल फॉर अ टाइम इन टेरर. टेरर का मतलब है एक्सट्रीम फियर. वो कुछ टाइम तक सिर्फ खड़े होकर एक्सट्रीम फियर में थी यानी डरी हुई सी थी. बट ग्रोइंग बोल्डर शी वेंट अप टू देम एंड सेड प्लीज काइंड सर्स लेट मी वॉर्म माई हैंड एट योर फायर. ग्रोइंग बोल्डर का मतलब है करेजियस यानी वो बहादुरी लेकर वो ऊपर जाती है और वो प्लीज काइंड सर्स ऐसा बोलती है काइंड वर्ड्स में, क्या मैं अपने आप को कुछ टाइम के लिए वार्म कर सकती हूँ यानी कुछ वो गरम ले सकती है. ग्रेट जनवरी नॉडेड एंड आस्क्ड हर व्हाई हैव यू कम हियर माई डियर लिटिल गर्ल. तो ग्रेट जनवरी जो सबसे बड़ा होता है नॉडेड यानी जेस्चर करता है ऐसा जेस्चर. नॉडेड यानी वो हाँ बोलता है बट आवाज़ से नहीं, जेस्चर करता है. एंड आस्क्ड हर व्हाई हैव यू कम हियर माई डियर लिटिल गर्ल यानी तुम यहाँ पर क्यों आई हो. व्हाई आर यू, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, और तुम किसके लिए आई हो, क्या देखने. I am looking for violets, answered Mirakula. तो Mirakula answer क्या देती है कि मैं violets के लिए आई हूँ यानी flowers ढूंढने. This is no time to be looking for violets, for everything is covered with. So ये कौन कहता है यानी ये कोई time नहीं है violets ढूंढने का, सब cover है snow के साथ में. Covered with snow, answered Great January. ये किसने कहा, Great January. So students, here on this page we can see, here are the 12 stones. और 12 stones पे 12 people, 12 men हैं.
यहाँ पे तीन बूढ़े हैं, तीन ज़्यादा बूढ़े नहीं है और ये बहुत यंगेस्ट यानी सबसे स्मॉल है। और बीच में क्या है, फायर लगी है यानी कि बॉर्न फायर एंड दिस इज़ अ मोरकुला। ये भर फॉरेस्ट में माउंटेन के ऊपर बैठे रहते हैं। येस आई नो बट माई सिस्टर हॉलेना एंड माई स्टेप मदर सेट दैट आई मस्ट ब्रिंग देम सम वायलेट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। सो वो कहती है मुझे पता है पर मेरी सिस्टर जो हॉलेना है और मेरी स्टेप मदर यानी उसकी सौतेली माँ, उन्होंने क्या कहा है कि उसे वायलेट्स लाने के लिए जंगल से। इफ आई डोंट ब्रिंग देम दे विल किल मी, टेल मी फादर्स प्लीज टेल मी वेर आई कैन फाइंड देम। तो बोलती है अगर मैं नहीं उसे लाऊंगी तो लोग मुझे मार डालेंगे। और वो रिक्वेस्ट करती है टेल मी फादर्स प्लीज, यानी मैं अभी उसे कहाँ पर ढूंढूंगी, मुझे जगह बताई। ग्रेट जनवरी स्टूड अप एंड वेंट टू वन ऑफ द यंगर मंथ, इट वॉज मार्च, एंड गिविंग हिम द क्लब ही सेड ब्रदर टेक द हाई सीट। सो ग्रेट जनवरी खड़े होते हैं और वो कहाँ पर जाते हैं, यंगर मंथ यानी छोटे वाले मैन के पास जो यंगर मंथ है वो कौन होता है, मार्च, एंड गिविंग हिम द क्लब, और उसको क्या देते हैं, क्लब। क्लब का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, हियर वी कैन सी ये कौन है, ये मार्च है जिसके हाथ में क्लब होती है यानी लॉन्ग हैवी स्टिक होती है जिससे वो ऐसा शेक करता है जैसे हम इमेजिनेटिव स्टोरीज में देखते हैं, लाला स्टोरीज में देखते हैं, लाला बाइज में, कि फॉर एन एग्जाम्पल दिस इज़ माई पेन और ये मेरी पेन क्या है, एक क्लब है यानी हैवी स्टिक है और उसके ऊपर से हम ऐसा गोल गोल करके ऐसा फेंकते हैं यानी कोई भी मैजिक होता है जैसे फेरी टेल्स में होता है, जैसे कि फेरी के पास एक स्टिक है फेरी मैजिक वाली, तो बिल्कुल वैसे ही ऐसा गोल घुमाकर वो लोग शुक करते हैं और वो क्या हो जाता है, फायर जो है और वो ज़्यादा डार्क लिट अप हो जाते हैं। तो हम आगे देखेंगे, गिविंग हिम द क्लब ही सेड ब्रदर टेक द हाई सीट, और वो वैसे ही ऊपर चेयर पर जाके बैठ जाता है। मार्च टुक द हाई सीट अपॉन द स्टोन एंड वेव द क्लब ओवर द फायर, और अब वेव का मतलब है शेक यानी अ जेस्चर के साथ हिलाता है उस स्टिक को। द फायर ब्लेज्ड अप, ब्लेज्ड अप का मतलब है जो फायर है वो और लिट अप हो जाती, लिट अप या तो ब्राइटन अप। द स्नो बिगेन टू मेल्ट, द ट्रीज बिगेन टू बर्ड एंड द ग्राउंड वॉज एट वंस कवर्ड विद ग्रास, इट वॉज स्प्रिंग टाइम। तो अब क्या हो गया था, स्प्रिंग टाइम, बिकॉज पूरी स्नोज मेल्ट हो गई थी, फ्लावर्स आने लग गए थे और पूरा जो जमीन ग्राउंड है वो कवर्ड हो गया था ग्रास के साथ। द वायलेट्स बिगेन टू ब्लूम अमंग देयर लिटिल लीव्स एंड बिफोर मोरकुला हैड टाइम टू थिंक सो मैनी ऑफ देम हैड स्प्रंग अप दैट दे लुक लाइक अ ब्लू क्लॉथ स्प्रेड आउट ऑन द ग्राउंड। तो वैसा लग रहा था कि एक ब्लू कपड़ा जो है वो ग्राउंड पर बिछ गया है। So we can see in this picture, these are the purple flowers which are violets. Now pick them quickly, Moracula commanded March. अब March order करता है, commanded का मतलब है order. Order करता है March की जल्दी से अभी इसे pick कर लो यानी ले लो। Moracula picked them joyfully till she had a big bunch. और वो joyfully यानी happily इन सबको bunch इकट्ठा कर रही थी। Then she thanked the months with all her heart and scampered merrily home. और वो बहुत अच्छे से यानी thank करती है उन्हें, शुक्रिया अदा करती है with her whole heart and scampered. Scampered का मतलब rush या तो run, यानी वो भागते हुए खुशी खुशी merrily home यानी खुशी खुशी happily अपने घर जाती है। Helena and the stepmother wondered when they saw Moracula bringing the violets. They opened the door to her and the scent of violets filled all the cottage. सेंट यानी फ्रेग्रेंस। तो ऐसे ही वो परेशान हो जाते हैं मोरकुला को वायलेट्स लाते हुए देखकर। दे ओपन द डोर, वो वैसे ही डोर खोलते हैं और जो पूरे कॉटेज में यानी पूरे घर में सेंट यानी फ्रेग्रेंस होता है फ्लावर्स वायलेट्स का वो महक जाते हैं। वेयर डिड यू गेट अप, वेयर डिड यू गेट देम, ये क्वेश्चन करते हैं। आस्क हेलेना सल्कली, यानी सल्कली का मतलब है एंग्रीली यानी अपसेट और डिसएग्रीबल मूड, ऐसा एंग्रीली जेस्चर देती है उसे और पूछती है कि कहाँ से तुमने लाए। दे आर ग्रोइंग अंडर द बुशेस इन अ फॉरेस्ट ऑन द हाई माउंटेन्स। हेलेना स्नैच ऑल द फ्लावर्स एंड डिड नॉट गिव इवन अ सिंगल वन टू हर सिस्टर। सो वो बोलती है कि ये माउंटेन्स में, हाई माउंटेन्स के ऊपर फॉरेस्ट में थे और हेलेना सब छीन लेती है फ्लावर्स को और एक फ्लावर देती नहीं है मोरकुला को। द नेक्स्ट डे शी कॉल्ड टू हर सिस्टर एंड सेड गो मोरकुला एंड गेट मी सम स्ट्रॉबेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट। अब नेक्स्ट डे वापस से वो लोग प्लान करते हैं, फर्स्ट प्लान हो गया जो फ्लावर्स मंगाते, सेकेंड प्लान में अब होता है उनका कि स्ट्रॉबेरीज मंगाते। अलास
डियर सिस्टर वेयर कुड आई फाइंड एनी स्ट्रॉबेरीज इन दिस हार्ड विंटर सेड मोराकुला. तो मोराकुला बोलती है कि अब मैं स्ट्रॉबेरीज इतनी ठंड में कैसा ढूंढूंगी. हाउ डेयर यू आर्ग्यू, यानी वापस से तुमने कैसे मेरे साथ बहस करना शुरू किया. गो एट वंस एंड गेट मी द स्ट्रॉबेरीज और आई विल किल यू, अगर तुमने नहीं लाई तो मैं तुम्हें मार दूंगी. द स्टेप मदर कॉट होल्ड ऑफ मोराकुला एंड पुश्ड हर आउट ऑफ द डोर एंड शट इट आफ्टर हर. और जो स्टेप मदर होती है मोराकुला को पुश्ड कर देती है, यानी धक्का दे देती है और डोर को बंद कर देती है. मोराकुला वेंट टू द फॉरेस्ट वीपिंग बिटरली, यानी वो रो रो कर अंदर अंदर फॉरेस्ट जाती है. द स्नो वॉज लाइंग डीप एंड देयर वॉजंट अ ह्यूमन फुटप्रिंट टू बी सीन एनीवेयर. तो सेम वैसे ही बहुत घना फॉरेस्ट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही ठंड होती है तो बर्फ गिरने से कोई किसी ह्यूमन बींग का फुटप्रिंट नहीं दिखता है. शी वॉन्डर्ड अबाउट फॉर अ लॉन्ग टाइम टॉर्चर्ड बाय हंगर एंड ट्रेवलिंग विथ कोल्ड. तो वापस से वो ढूंढती रहती है, उसे बहुत भूख लगती है और यानी ठंड से वो ट्रेवलिंग होती है, यानी शिवरिंग करती है, कपकपाती है. एट लास्ट शी सॉ द लाइट शी हैड सीन द अदर डे. सो सेम जो उसने एक दिन पहले लाइट देखा था वापस से वो देखती है. ओवर जॉयड, यानी खुश हो जाती है. शी वेंट टूवर्ड्स इट, शी केम टू द ग्रेट फायर विद द 12 मंथ सिटिंग राउंड इट. प्लीज काइंड सर्स लेट मी वॉर्म माई हैंड्स एट द फायर. सो सेम थिंग वो बोलती है कि मुझे वापस से, यानी काइंड वर्ड्स में बोलती है, सर क्या मैं वापस से यानी वॉर्म ले सकती है. ग्रेट जनवरी नॉडेड. तो ग्रेट जनवरी वापस से नॉड करते हैं, यानी हाँ. एंड आस्क हर वाई हैव यू कम अगेन एंड वॉट आर यू लुकिंग फॉर हियर. सो फिर वो क्या बोलते हैं कि तुम वापस से क्यों आई हो और अब क्या देख रही हो. आई एम लुकिंग फॉर स्ट्रॉबेरीज. माई सिस्टर हेलेना एंड माई स्टेप मदर बेब मी ब्रिंग सम स्ट्रॉबेरीज, यानी कि ऑर्डर. एंड इफ आई डोंट दे विल किल मी. टेल मी फादर्स टेल मी प्लीज वेयर आई कैन फाइंड देम. सो सेम थिंग अब वो बोलती है कि अब मैं इसे कहाँ ढूंढूंगी, अगर मैं इसे नहीं ले गई तो मेरी स्टेप मदर और मेरी सिस्टर मुझे मार डालेंगे. ग्रेट जनवरी अरोज. अरोज यानी स्टैंड अप, खड़े हो जाते. ही वेंट ओवर टू द मंथ सिटिंग अपोजिट टू हिम. और वो दूसरे मंथ के पास जाते जो बिल्कुल उनके सामने बैठे रहते. इट वॉज जून. कौन था वो? जून. एंड हैंडेड द क्लब टू हिम सेइंग ब्रदर टेक द हाई सीट. और वापस से बोलते कि इस सीट पर आ जाओ. जून टुक द हाई सीट अपॉन द स्टोन एंड स्वंग द क्लब ओवर द फायर. स्वंग यानी वेव, यानी शेक करते हैं उस क्लब को और उस फायर के तरफ यूं शुक करके फेंकते. द फायर शॉट अप एंड इट्स हीट मेल्टेड द स्नो इन अ मोमेंट. और फायर जो है वापस से अच्छे से एकदम लग जाती है, ब्राइटन अप हो जाती है और जो सारे स्नो होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं. द ग्राउंड वॉज ऑल ग्रीन, द ट्रीज वर कवर्ड विद द लीव्स, द बर्ड्स बिगेन टू सिंग एंड द फॉरेस्ट वॉज फिल्ड विद ऑल काइंड ऑफ फ्लावर्स. और ऐसे ही जो फ्लावर्स होते हैं पूरा फॉरेस्ट पूरे फ्लावर्स के साथ में एकदम भरा रहता है. इट वॉज समर. अब क्या कौन सा समर सीजन आ गया था? समर. द ग्राउंड अंडर द ब्रुशेज वर कवर्ड विथ वाइट स्टारलेट्स एंड स्टेरी ब्लॉसम्स वर टर्निंग इन टू स्ट्रॉबेरीज एवरी मिनट. और ऐसे ही सारे जो फ्लावर्स थे स्टेरी ब्लॉसम्स, वो किस में टर्न होने लगे? स्ट्रॉबेरीज में, एवरी मिनट में. वाइट स्टारलेट्स का मतलब है फ्लावर्स, वाइट कलर का फ्लावर है ये. दे राइप्ड एट वंस एंड बिफोर मोराकुला हैड टाइम टू थिंक there were so many of them that it looked as though a red carpet had been spread on the ground. अब वो इतने सारे हो गए तो ऐसा लग रहा था कि पूरे ग्राउंड पे रेड कार्पेट जो है वो बिछा हुआ है. Pick them at once, Miracula commanded June. Pick them at once, यानी इसे जल्दी से एक ही साथ ले लो. Miracula को कमांड किया यानी ऑर्डर किया June ने. Here we can see यहाँ पर सारे स्ट्रॉबेरीज जो है वो ग्रोन अप हो गए. Miracula picked them joyfully. Till she had filled her apron full. Apron a cloth. हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि मोराकुला ने इस एप्रन को पहना है. मोस्टली हम देखते हैं कि मम्मी हमारी किचन में काम करती है सो ये एप्रन पहनते हैं जिससे हमारा कपड़ा जो है वो ख़राब ना हो. सो इस एप्रन वाले क्लॉथ में वो पूरे स्ट्रॉबेरीज को भर देती है. देन शी थैंक द मंथ्स विथ ऑल हर हार्ट एंड स्कैम्पर्ड मेरिली होम. सेम थिंग वो थैंकफुल करती है उन्हें और स्कैम्पर्ड यानी रश रन भागते हुए खुशी खुशी अब घर जाती है. हेलेना एंड द स्टेप मदर वंडर्ड व्हेन दे सॉ मोराकुला ब्रिंगिंग द स्ट्रॉबेरीज, हर एप्रन वॉज फुल ऑफ देम. हेलेना और उसकी स्टेप मदर परेशान हो जाते हैं वापस से, यानी मोराकुला ने स्ट्रॉबेरीज को लाया है, हर एप्रन वॉज फुल ऑफ देम. वेयर डिड यू पिक देम, आस्क्ड हेलेना सल्कली. यानी वापस से वो उसे पूछती है कि तुमने कहाँ से लाई.
देर आर प्लेंटी ऑफ देम ग्रोइंग इन द फॉरेस्ट ऑन हाई माउंटेन, यानी वहाँ पे कई सारे फॉरेस्ट हाई माउंटेन पर है. हेलेना टुक ऑल द स्ट्रॉबेरीज एंड एट देम ऑल अप विथ हर मदर. सो हेलेना पूरी स्ट्रॉबेरीज को ले लेती है और अपनी मदर के साथ में खाती है. दे डिडंट लीव इवन अ सिंगल वन फॉर मोराकुला, और उन्होंने एक भी मोराकुला के लिए रखा नहीं. वन ऑन द थर्ड डे हेलेना ऑर्डर्ड मोराकुला, गो इन टू द फॉरेस्ट एंड गेट मी सम रेड एप्पल्स. सो अब वो थर्ड डे पर क्या करते हैं, रेड एप्पल्स. द स्टेप मदर कॉट होल्ड ऑफ मोराकुला एंड विदाउट गिविंग हर अ चांस टू स्पीक पुश्ड हर आउट ऑफ द डोर एंड शट इट आफ्टर हर. और सेम थिंग होता है, मोराकुला को घर से बाहर निकाला जाता है और सेम उसे रेट करते. मोराकुला वेंट टू द फॉरेस्ट अगेन वीपिंग बिटरली, रो रो कर वापस से जाती है. बट शी डिडंट वंडर अबाउट दिस टाइम, बट वो इस टाइम पे सोच ही नहीं. शी रैन स्ट्रेट टू द, अब वो सीधा कहाँ पर भागी, टॉप ऑफ द माउंटेन वेयर द बिग फायर वॉज बर्निंग एंड द 12 मंथ्स वर सिटिंग राउंड द फायर. और वो उसी जगह पर जाती है जहाँ पर 12 मंथ्स बैठे रहते हैं माउंटेन पर. प्लीज काइंड सर्स हेल्प मी, अब वो वापस से हेल्प चाहती है. ग्रेट जनवरी नॉडेड एंड आस्क हर, वॉट आर यू लुकिंग फॉर टूडे. आई एम लुकिंग फॉर रेड एप्पल्स, इफ आई डोंट ब्रिंग देम माई सिस्टर एंड माई मदर विल किल मी. टेल मी फादर, टेल मी प्लीज वेर आई कुड फाइंड देम. सो ये वापस से उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि अगर मैं रेड एप्पल्स को नहीं ले जाऊंगी घर पे, तो मेरी स्टेप मदर और हेलेना मेरी सिस्टर मुझे मार डालेंगे और घर से निकाल देंगे. ग्रेट जनवरी रोज अप, रोज अप यानी उठ जाते हैं, आते हैं. ही वेंट ओवर टू वन ऑफ द ओल्डर मंथ, वो सबसे बूढ़े ओल्ड मंथ के पास जाते हैं. इट वॉज सेप्टेम्बर, वो कौन था, सेप्टेम्बर. ही हैंडेड द क्लब टू हिम एंड सेड ब्रदर टेक द हाई सीट, वापस से वो चेयर पर भेज देते हैं. और मंथ सेप्टेम्बर टुक द हाई सीट अपॉन द स्टोन एंड स्वंग द क्लब ओवर द फायर. स्वंग यानी शेक, वापस से उस स्टिक को फायर की तरफ रखते हैं. द फायर बिगेन टू बर्न विद अ रेड फ्लेम, अब फायर एक रेड फ्लेम के साथ आ गई. द स्नो बिगेन टू मेल्ट, अब वापस से जो बर्फ होती है वो पिघल जाती है. बट देर वॉज अ कोल्ड विंड दैट सेंट द फेडेड लीव्स डाउन टू द ग्राउंड. फेडेड लीव्स यानी ड्राई लीव्स डाउन टू द ग्राउंड, अब ड्राई लीव्स गिरने लगी है जमीन पर. इट वॉज ऑटम, अब ऑटम आ गया था. मोराकुला सॉ जस्ट वन एप्पल ट्री विद रेड एप्पल्स हैंगिंग हाई अमंग इट्स ब्रांचेस. सो मोराकुला एक झाड़ पर देखती है कि रेड एप्पल्स है बहुत ऊंचाई पर ब्रांचेस में है. शेक द ट्री एट वंस मोराकुला कमांडेड सेप्टेम्बर. सो सेप्टेम्बर उसे क्या ऑर्डर देता है कि एक ही साथ में शेक करना ट्री को और वो पूरे गिर जाएंगे. राइट ग्लैडली मोराकुला शुक द, ग्लैडली यानी खुशी खुशी उसे वो हिलाती है ट्री को. ट्री एंड फर्स्ट वन एप्पल फेल डाउन एंड देन अनदर, तो एक एक करके एप्पल्स गिरते हैं नीचे. नाउ मोराकुला दैट्स इनफ, रन होम क्विकली शाउटेड द मंथ, अब जो सेप्टेम्बर मंथ होता है वो उसे चिल्लाता है और बोलता है कि मोराकुला अब बस हो गया, अब जल्दी से घर चली जाओ. मोराकुला ओबेड एट वंस, यानी ओबेड यानी फुलफिल या तो फॉलो, यानी उनकी बात को मान लेती है एक नी और चले जाती है. She picked up the apples, thanked the months with all her heart and ran merrily home. और वो thanks कहते अपने भागते हुए खुशी खुशी घर चली जाती है. Helena and the stepmother wondered when they saw Moracula bringing the two apples. अब से वो two apples लाती है. Where did you get them? Asked Helena. Helena पूछती है कि तुमने कहाँ से लाई. I found them in the forest on the high mountain. So वो कहती है कि मैंने high mountains के ऊपर से लाई हूँ. एंड वाई डिड यू ब्रिंग मोर, और तुमने और ज़्यादा क्यों नहीं लाई. और डिड यू ईट देम ऑन द वे होम, सेड हेलेना हार्शली, यानी बहुत क्रूली क्रूल मैनर में वो उसे चिल्लाते हुए बोलती है. अलास सिस्टर डियर आई हैवन्ट इवन टेस्टेड देम, यानी मैंने उसको चकी तक नहीं हूँ, टेस्ट नहीं ली हूँ. आई शुक द ट्री ट्वाइस, टू एप्पल्स फेल डाउन एंड दे वुडंट लेट मी शेक द ट्री अगेन. दे शाउटेड टू मी गो स्ट्रेट होम, प्रोटेस्टेड मोराकुला. तो ऐसे ही वो मोराकुला को क्या बोलते हैं कि अब दो बार उसने शेक कर दिए, अब थर्ड टाइम उसे चिल्ला रहे थे और उसे चिल्लाते हुए कहा कि जल्दी से घर जाने. मे यू बी स्ट्रक टू डेथ बाय लाइटनिंग, सेड द विक्ट हेलेना एंड बिगेन टू ईट द एप्पल. इविक्ट का मतलब है इविल, यानी जो वो इविल यानी किसे यूज किया जाता है, जो बहुत खराब पर्सन होते हैं, बहुत इविल इंसान होते हैं, उसे विक्ट क्या है. तो हेलेना कैसी होती है, इविल होती है, बिल्कुल राक्षस की तरह. इट टेस्टेड सो डिलिशियसली दैट शी टोल्ड हर मदर शी हैड नेवर टेस्टेड एनीथिंग सो नाइस इन हर ऑल लाइफ.
सो वो अपने हॉलैंड अपनी मदर को बोलती है कि उसने ऐसा कभी टेस्ट नहीं किया है, जो पूरी लाइफ में आज तक उसने ऐसा नहीं खाया जो ये टेस्ट कर रहा है, यानी मे यू बी स्ट्रक टू डेथ बाय लाइटनिंग, यानी वो उसे एक ऐसा बोलती है कि तुम मर जाओ लाइटनिंग से, यानी लाइटनिंग तुम पर आ जाओ, तुम उससे मर जाओ. मदर गिव मी माई फर कोट, लेट्स गो टू द फॉरेस्ट आवर सेल्व्स एंड गेट द एप्पल्स. सो ऐसे ही यहाँ पर स्टेप मदर को भी अच्छा लगता है और दोनों साथ में ख़त्म कर देते हैं और उन्हें और एप्पल्स चाहिए था. तो मदर गिव मी माई फर कोट, फर कोट जो जिससे हम ठंड से बच सकते हैं, ये हॉलैंड अपनी मदर को बोलती है. और लेट्स गो टू द फॉरेस्ट आवर सेल्फ एंड गेट द एप्पल्स, हम खुद ये एप्पल्स को खुद अपने साथ ले आएंगे. द रैग्ड लिटिल व्रेच, रैग का मतलब है अनटाइडी बिचारी, व्रेच यानी हॉरेबल, वुड ईट यानी ये जो मोरकोला को बोलते हैं कि यानी ये सारे जो है एप्पल्स वो खुद खाकर रास्ते में से आई होंगी. वुड ईट देम ऑल अप अगेन ऑन हर ओन वे, यानी वो पूरे रास्ते से खाकर आई होंगी एप्पल्स को, इसीलिए सिर्फ दो बचा है. वी विल फाइंड द प्लेयर्स ऑल राइट एंड आई विल शेक देम ऑल डाउन हाउ एवर दे शाउट एट मी, यानी वो बोली कि हम इस जगह को भी ढूंढ लेंगे और मैं ट्री को शेक करूंगी चाहे वो जितना भी हमें चिल्लाए. हर मदर अग्रीड रेडीली, उसकी मदर बहुत रेडी हो गई और फिर लोग जाते. दे रैप्ड देमसेल्व्स इन फर कोट्स एंड शॉल्स यानी कि स्कार्फ्स एंड ऑफ दे वेंट टू द फॉरेस्ट, और अब वो फॉरेस्ट के लिए निकल जाते. द स्नो ले डीप एंड दे वॉन्डर्ड अबाउट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट एट लास्ट दे सॉ द टॉप ऑफ द माउंटेन वेयर द बिग फायर वॉज बर्निंग एंड द 12 मंथ्स वर सिटिंग. सो अब वो जाते हैं फॉरेस्ट में माउंटेन की तरफ, तो वो देखते हैं कि वहाँ पे फायर जो है वो बर्न हो रहा है और वहाँ पर 12 मंथ्स बैठे रहते. दे स्टेप्ड अप टू द फायर एंड स्ट्रेच आउट देयर हैंड्स टू वार्म देम, और वो वार्म ले करते हैं विदाउट आस्किंग परमिशन और स्पीकिंग वन पोलाइट वर्ड, यानी बिना ही परमिशन के वो जाके वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और ना ही उन्होंने पोलाइट वर्ड में यानी कि काइंड वर्ड में उनसे बात किया 12 मंथ के साथ. वाई हैव यू कम हियर एंड वॉट आर यू लुकिंग फॉर, आज द ग्रेट जानवरी क्रॉसली, यानी क्रॉसली यानी कि एंग्रीली ग्रेट जानवरी उन्हें बोलते कि यानी तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो. Why do you want to know, you old fool? तो वो दोनों से क्या बोलते हैं कि तुम्हें क्या जानना है तुम पागल जैसे बूढ़े. Replied Helena angrily, यानी Helena चिल्लाते हुए गुस्से में बोलती है, It's no business of yours, ये तुम्हारा काम नहीं, अपने काम से काम रखो जैसे कहते हैं ना, तो वैसे ही Helena कहती है. Said her mother. Great January frowned, frown यानी कि angry face, बहुत angry हो जाते हैं. And swung the club over his head. The sky grew dark in a moment. The fire burned low. The snow began to fall thick. And icy wind began to blow through the forest. So, ऐसा क्या हो जाते हैं? Great January बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो अपने इस लकड़ी को लेके fire के तरफ यूँ करते हैं और इतने में क्या हो जाता है? Fire जो होती है वो एकदम से बंद हो जाती है और अचानक से बहुत ठंड हवा चलने लग जाती है, बहुत ज़्यादा बर्फ गिरने लग जाती है. तो हर जगह पर पूरा सिर्फ आइस आइस होता है, पूरा फॉरेस्ट आइस से एकदम ढक गया है. Helena एंड हर मदर कुडंट सी वन स्टेप इन फ्रंट ऑफ देम, और इतने में क्या होता है कि Helena और उसकी मदर एक दूसरे को तक नहीं देख सकते, ऐसा हो गया. दे ट्राइड टू फाइंड देयर वे आउट बट द स्नो फेल इन ह्यूज मासेस एंड सून दे वर लॉस्ट इन इट, और स्नो इतनी गिरी कि एक दूसरे को लोग देख नहीं सके और वो घूम गए. एट होम मोरकुला वेटेड एंड वेटेड एंड येट Helena and her mother did not come back. So Morakula घर पर इन लोगों का इंतज़ार करती रहती है बट उसकी मदर जो स्टेप मदर होती है और उसकी सिस्टर Helena वो वापस घर पर नहीं आते. When she went to search for them, she found neither her mother and sister nor the 12 months in the forest. तो अब वो ढूंढने जाती है अपने मदर और अपनी सिस्टर को, तो और 12 months भी उसे दिखते नहीं है, ना ही उसकी मदर सिस्टर, पूरे फॉरेस्ट में कोई नहीं उसे मिलता है. किसको? मोरकुला को. एट लास्ट शी रिटर्न होम सैडली, तो अब वो क्या हो जाता है कि उसे कोई मिला नहीं, तो वो बहुत ही उदासी के साथ वापस अपने घर आ जाती है. सो गुड मोरकुला इनहेरिटेड द कॉटेज एंड द लैंड अराउंड इट, यानी जो अच्छी मोरकुला होती है इनहेरिटेड का मतलब है टेक ओवर, यानी मोरकुला इतनी अच्छी होती है कि अब जो वो पूरा घर होता है यानी कॉटेज होता है और जो पूरी ज़मीन होती है आसपास की, वो पूरा मोरकुला के पास हो जाता है, यानी वो मोरकुला का हो जाता है. शी मैरिड अ काइंड हस्बैंड एंड दे बोथ लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और अब वो शादी कर लेती है मोरकुला, उसका हस्बैंड जो होता है वो बहुत काइंड होता है और वो खुशी खुशी रहती है
हमेशा के लिए. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डन विद द होल चैप्टर. होप यू अंडरस्टैंड द होल स्टोरी. दिस इज नॉट एन चैप्टर बट एन वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी मॉरलफुल स्टोरी फॉर अस. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डन विद द होल स्टोरी. होप यू लाइक द होल स्टोरी. इट इज वेरी नाइस एंड वेरी इंटरेस्टिंग. सो स्टूडेंट्स, now we are done. Hope you understand the whole story. So students, please subscribe to our channel, like, share and comment, share with your friends and with your classmates and your students. Don't forget to check our playlist. Till then, take care. Thank you.